कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। हमारा लड़का ही चला गया, हम अभी क्या कुछ कर सकते हैं। हमारा जो शक्ति खत्म हो गई, बोलने की शक्ति खत्म हो गई, तो क्या जवाब है यार। हमारा आवाज़ नहीं निकल रहा है, ऐसा हालत हो गया हमारा। उसको फांसी तो पक्का होनी चाहिए, इसलिए हम लोग के यही गुजारिश है, प्लीज़ हम लोग को इंसाफ दिलाइए। उसको बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, उसको फांसी तो पक्का मिलनी चाहिए, उसको बचना नहीं चाहिए। वो पुलिस द्वारा जो जांच की जा रही है, उस जांच से आप संतुष्ट हैं? और जो एविडेंस को पेश किए जा रहे हैं, उन सभी चीज़ों से आप संतुष्ट हैं? हाँ, वो सब चीज़ों से संतुष्ट है, कार्रवाई जारी है, सब कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सब अच्छे से चल रहा है। बट हमको यही गुजारिश है कि हमको फांसी चाहिए, बस उसको फांसी मिलनी चाहिए। जैसे कि ऐसा माना जाता है कि जो युवा हैं वो ही देश का भविष्य है या हमारे शहर का भी भविष्य है, पर जहाँ तक हमारे उल्हासनगर शहर की बात कही जाए तो बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनकी वो बिल्कुल ही दिशा भूल हो चुके हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं। तो ऐसा जो पवन अचरा और उनकी फैमिली के साथ हुआ वो बिल्कुल ही निंदनीय है। हम लोग बिल्कुल इसकी निंदा करते हैं और उनकी फैमिली के सपोर्ट में हम हैं। एंड पुलिस और प्रशासन से यही मांग है हमारी कि इस मामले में बिल्कुल बेस लेवल की जो भी कार्रवाई है वो की जाए और जो अल्टीमेटम जस्टिस मिलना चाहिए पवन अचरा को, वो मिलना चाहिए। पहले तो हम इस पूरे परिवार, अचरा परिवार की तरफ से पूरा अपना दुख व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने अपना इतना बच्चा खोया है, और आगे से ऐसी घटनाएं ना हो उसके लिए ज़रूर प्रशासन द्वारा और जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनके द्वारा कदम उठाने चाहिए। जैसे मैडम ने बोला कि नौजवान पीढ़ी दरिंदगी का, अगर एक पर्सन ने दरिंदगी की है तो दूसरा पर्सन दरिंदगी का शिकार हुआ है। तो इसके जो मूलभूत कारण हैं कि क्यों नौजवान पीढ़ी इस ओर भटक रही है, और बाकी जो रही शांति की बात, वो ऐसे है कि प्रशासन को अपने काम पे जोर दे के पुलिस को हम मांग करेंगे कि जल्दी से जल्दी दोषियों को सज़ा मिले, और हर एक सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं या राजनीतिक कार्यकर्ता हैं कोई भी हो, वो इस ऐसी घटनाएं आगे नहीं हो उसके लिए रोकथाम होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जो मूलभूत कारण है कि नौजवान पीढ़ी आज की कहाँ जा रही है, उस पे ऊपर विचार करने का बहुत ज़रूरी है। और ये जो शहर के प्रतिनिधि हैं उनका ये कर्तव्य बनता है कि आगे के लिए कुछ ना कुछ, नौजवान पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि जो आगे ऐसी घटनाओं पर रोकथाम लग सके। प्रोफेसर निनाद कासले, सिंधु एजुकेशन सोसाइटी स्वामी हंस मुनि महाराज डिग्री कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बिलोंग करता हूँ। पवन आशरा हमारे यहाँ पर FY, SY, TY और MCOM भी कर चुके थे। पवन आशरा जो है वो बहुत ही एक ब्राइट स्टूडेंट, शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। ये जो भी घटना घटी है इसकी हम काफ़ी निंदा करते हैं, ये काफ़ी सही नहीं हुआ है और हम चाहेंगे कि पवन को इसका इंसाफ मिले। हमारी सारी सद्भावनाएँ पवन की फैमिली के साथ हैं। थैंक यू। आज यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सब जन जमा हुए, हमारी राष्ट्रवादी पार्टी भी और सब जन यहाँ पे। इनके परिवार की एक ही मांग है कि इनके बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए जो आज इस दुनिया में नहीं है। जो भी इस कांड में लिप्त है, खास करके सुनने में आ रहा है कि उनके और भी दोस्त इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि ये एक अकेले का काम नहीं था, इसमें और भी लोग हैं। और ख़ास करके इनकी ये है कि भाई जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी से तो कम सज़ा नहीं होनी चाहिए, ये इनके परिवार की मांग है। उनको एक बार धमकी भी दे चुका था कि भाई अगर आप लोग नहीं मानोगे या उनकी बात नहीं सुनोगे तो मैं ये उनका भी मर्डर कर सकता हूँ, ये भी उन्होंने पुलिस को बताया है। तो इस तरह से ऐसे इसीलिए हमने बताया कि काफ़ी जन इसमें अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं और इसकी गहराई तक जांच होनी चाहिए। हम भी पुलिस से ये मांग कर रहे हैं कि इनके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, आज इन्होंने तो अपना बच्चा खोया है, तो कम से कम अभी इनको इंसाफ जो है वो पूरी तरह से मिले, ये हम अपनी तरफ से भी मांग करते हैं। ये इतना बड़ा घातक, मैं कहूँ कि नासूर जैसा दर्द है,
उस दर्द को सहने की मैं भगवान दर वाहेगुरु दर प्रार्थना करती हूँ। ये दर्द ऐसा है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। आज ये रोड पे आए हैं, मैं भरत भाई जी ने जैसे कहा कि मैं मांग करता हूँ कि पूरे जो सिस्टम है जहाँ की जहाँ से शुरुआत और एंड हुई है उन्हीं सभी को यहाँ पर सज़ा मिलनी चाहिए और भयंकर सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसी मैं मांग करती हूँ। और हमारा समाज आज ये कैंडल मार्च की रोशनी से ये सीखे कि हमारा समाज आज कहाँ जा रहा है, यूथ कहाँ जा रही है। आज इतने बड़े भयंकर मर्डर के पीछे जो भी व्यक्ति हैं या उनके आपने जैसे कहा कि परिवार का भी कोई भी हो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और आने वाले समय में ऐसी घटनाएं हमारे शहर में ना हो, इस पे अंकुश लगे, ऐसा हम समाज सेवकों को भी प्रयास करना चाहिए। और पुलिस डिपार्टमेंट से मेरी मांग है कि इसके तह तक जाएं, असलियत बाहर आनी चाहिए। एक माँ ने अपना बेटा खोया, एक बहन ने अपना भाई खोया, एक पिता ने अपना बेटा खोया, ऐसा नहीं है। हमने भी अपना बच्चा खोया है, वो हमारा भी बच्चा है, हमने उसको छोटेपन से देखा है, मेहनत करते हुए मैंने उसको खुद देखा है। आज हम सबका लाल गया है, ऐसा लाल और कहीं ना जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।